हेलो बच्चों उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन की आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि आपके स्कूलों में अक्सर डिस्कस नहीं किए जाते और जहां कन्फ्यूजन बना होता है जहां कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जरूरत पड़ती है उसी में ये सीरीज आपकी मदद कर रही है आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की सीरीज में चैप्टर नंबर लेवन नेचर आइए फटाफट शुरू करते हैं और तेजी से बातों को समझते जाते हैं उससे पहले छोटी सी जानकारी कि आपके लिए मैंने कई चीजें बनाई हैं जैसे डिटेल्ड वन शॉर्ट वीडियो पी IQ series, MCQ derivations.

जो बच्चे इसका इस्तेमाल करना चाहें क्लिक करके इस पे आए और जरूर इस्तेमाल करें एग्जाम टाइम में बेस्ट ऑप्शन है कई बच्चों के रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पी मिल जाए तो अरविंद अकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहां आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ नोट्स बनाने के काम आएगा दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप

है सोल्यूशन के लिए आपको कहीं भागना नहीं है सोल्यूशन के लिए आपको कहीं भागना नहीं ये काफी है कुछ और लगाने की जरूरत नहीं इसको लगा लेते हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी है और इसको लेने के लिए आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा वहां आपको कोर्स आप लेकर इनरोल कर सकते हैं वहां आपको ऑप्शन दिखेगा बाय नाउ का या बाय नाउ का ऑप्शन ना दिखे आई एम इंटरेस्टेड का दिखे तो उस पर क्लिक कीजिएगा एक लिंक आ जाएगा व्हाट्सएप पर या एसएमएस द्वारा वहां पेमेंट करके इसको कोर्स को आप ले सकते हैं इस सिस्टम में थोड़ा सा आई एम इंटरेस्टेड का क्यों ऑप्शन आ रहा है इस सिस्टम में बदलाव क्यों दिख सकता है क्योंकि गूगल की कुछ पॉलिसी में हुआ है चेंज जिसकी वजह से बदलाव आपको दिख सकता है चलिए पढ़ाई की बात तुरंत स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग तो ये रहा डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन भाई फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन क्या होता है है और ये फ्रिक्वेंसी से कैसे लिंक्ड है? तो देखिए जो जो कि आपका वर्क फंक्शन होता है वो जब पड़ता है किसी पे, पर, तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले इलेक्ट्रॉनिक की जीरो बस निकले कोई काइनेटिक एनर्जी कैरी ना कर रहे हो तो मिनिमम एनर्जी जो लगेगी उसे आप बोलेंगे वर्क फंक्शन

खैर मैं बताता हूं अभी आपको सभी फोटोन का क्या मास एक जैसा ही होता क्योंकि पार्टिकल नेचर है तो मास भी होगा इफ नॉट वाई तो आप जानते हैं कि आइंस्टाइन e की इक्वेशन है जहां पर अगर हम मास निकालने की कोशिश करें तो एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर लिखते हैं और देखिए मास ऑफ फोटोन की इसी तर्ज पर मास ऑफ फोटोन निकालने की बात करें तो ई अपॉन सी स्क्वायर लिख देंगे और एनर्जी को लिखते हो न्यू के लिए H अब आप जानते हैं सी का डिफरेंट फ्रिक्वेंसी का उस वजह से ये एचनियो अपॉन सी स्क्वायर लिखा होना चाहिए यहाँ पर तो एचन की वैल्यू क्योंकि बदल जाती है इसलिए सभी जो फोटॉन्स हैं इनके मासेस भी डिफरेंट होते हैं तो देखिए डिफरेंट रेडिएशन हैज डिफरेंट फ्रिक्वेंसी सो विल हैव डिफरेंट भाई न्यू सबके लिए अलग अलग तो मास ऑफ फोटोन भी अलग अलग तो सारे फोटो का मास अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर फ्रिक्वेंसी जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं अगली बात करते हैं इफ द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डबल्ड अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ को हम डबल करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो उसकी एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा <laughs> बहुत ही सरल क्वेश्चन है देखिए e होता है एच सी अपॉन ये रिलेशन कायम कर दिया एनर्जी और के बीच में। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू हो गया है। बात पकड़ में आ गई होगी आपके अब जैसे आप यहां पर क्या किए लेना लेमडा डबल तो एनर्जी हाफ बात खत्म लेमडा को किया है डबल तो एनर्जी हो गई आधी बहुत बढ़िया शानदार आसान सवाल होते हैं थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है बस तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन शानदार आपकी मदद के लिए जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा इन द देव पिक्चर ऑफ लाइट बड़ी इंटरेस्टिंग बात है देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड द द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड देखिए क्या होता है कि इन वेव थ्योरी जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है यही आप कह रहे, है। आप रहे हैं भैया ये बताओ कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट फोटोनिक पिक्चर में क्या होगी अगर फोटो ये तो हो गई वेव थ्योरी फोटोन तो वेव थोड़े होते हैं तो यहां पर बात की जाए कि फोटोन के पिक्चर में हम इंटेंसिटी किसको कहेंगे हाँ, बहुत आसान सी बात देखिए यहां पे लिखा फोटोनिक पिक्चर में क्या होता है कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पड़ रहे हैं किसी एरिया पर उसी को हम बोलते हैं उसकी इंटेंसिटी ये देखिए इन फोटोन पिक्चर इंटेंसिटी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम तो यहां पर नंबर ऑफ फोटो का लिंकेज है इंटेंसिटी से पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जितने पड़ेंगे उससे आप कहेंगे ज्यादा पढ़ रहे हैं वो नंबर ऑफ तो ज्यादा इंटेंसिटी है कम पड़ रहे हैं तो कम है मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे आप अगली बात करते हैं इंटरेस्टिंग बातें हैं वॉट इलेक्ट्रॉन ये जो फोटोन आ रहा है वो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन से टक्कर खाता है उसकी मान लीजिए शुरू में वेवलेंथ लेडा है तो ये लेमडा का क्या हाल चाल होगा लेमडा घटेगी या बढ़ेगी तो देखिए यहां मैं समझा देता हूं जो लिखा

लेमडा इसका इंक्रीज हो जाएगा किसका लेमडा फोटोन का लेमडा क्योंकि ने एनर्जी दी है इलेक्ट्रॉन को पूरी या जितनी भी वो दे रहा हो कुछ पार्ट तो दी ही है अगली बातचीत करते हैं हम लोग बड़ी शानदार बात आपको समझने में, में मदद मिलेगी

फोटो एमिशंस के अंदर बेटा उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट क्यों होती है किसी की तो के वन है एक जैसी ही काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं होती तो इसका आंसर है बेटा डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में होते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में तो जब उनका एनर्जी लेवल डिफरेंट है तो डिफरेंट एनर्जी लेवल से निकलने में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी उनको लगेगी इसलिए काइनेटिक एनर्जी फर्क हो जाती है ये देखिए जैसे आप कंडक्शन बैंड वाला मामला आप सेमीकंडक्टर्स uh, में ज्यादा बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं आप इतना समझ लीजिए कोई मेटल है तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता ये energy, है ये डिफरेंट एनर्जी कंडक्शन बैंड है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं तो इसको निकलना है तो झट से यहां से निकल जाएगा और इसको निकलना है तो इतना एनर्जी और खाएगा ना निकलने के लिए समझिए मतलब इसकी डिफरेंट एनर्जी है तो जब डिफरेंट एनर्जी है आपने दिया तो दोनों को सौ सौ यूनिटी है तो इसने खाया पचास यूनिट इसने खाया सत्तर यूनिट तो एक पचास यूनिट से निकला एक तीस यूनिट से निकला सौ में से सत्तर खा गया तीस बचा इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कैनेटिक एनर्जी से निकलते हैं सिंपल सी बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स मेटल में कंडक्शन बैंड में डिफरेंट एनर्जी लेवल से में होते हैं तो डिफरेंट एनर्जी लेवल से जब निकलेंगे तो डिफरेंट एनर्जी के साथ निकलेंगे बात खत्म हो जाती है बात पकड़ में आती भी एकदम एप्सलूटली हंड्रेड परसेंट करेक्ट जवाब

मिनिमम की बात करें तो वर्क फंक्शन इसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी लगी वर्क फंक्शन और जो बच गई वो के मैक्स के फॉर्म में चली आई यानी इस एनर्जी का एच न्यू का दो टुकड़ा हुआ एक टुकड़ा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्चा हुआ ये वर्क फंक्शन और दूसरा टुकड़ा जो बच गया वो इसके साथ रह गया यानी इस इस तरह से एमिशन को, आ, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आइंस्टाइन की उससे आप समझा सकते हैं अगली बात करते हैं डज ईच इंसिडेंट फोटोन एसेंशियली इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन इनका कहने का मतलब है कि जो भी फोटोन टक्कर मार रहा है मेटल सरफेस पर क्या हर फोटोन इलेक्ट्रॉन निकाल देता है आंसर है जी नहीं ऐसा नहीं होता केवल एक परसेंट फोटोन ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं सौ फोटोन अगर पढ़ेंगे तो कोई एक निकाल पाता है क्योंकि और भी वहां पर कहानियां हो रही होती हैं एब्जॉर्प्शन किस रूप में हुआ है यह भी डिपेंड करता है तो वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है हम लोग तो एक हिस्सा पढ़ रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का तो सभी फोटोन इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे केवल एक या उससे कम इलेक्ट ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाते हैं अगली बातचीत वर्क फंक्शन बहुत बढ़िया सवाल है मजा आ जाएगा आपको एक वर्क फंक्शन है एल्यूमिनियम का जिसका वर्क फंक्शन है फोर पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब आप ये जानते हैं यहां पर जो इंसिडेंट कराया जा रहा है फोटोन इन उसकी एक फोटोन की जो एनर्जी है वो ढाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो अगर इस पे एक पर एक इलेक्ट्रॉन पर एक फोटोन पड़ता तो ढाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता जो कि वर्क फंक्शन से कम है तो आप जानते हैं कि जब भी वर्क फंक्शन से कम एनर्जी अगर पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा लेकिन सपोज करिए एक के बाद एक दो फोटोन एकदम से हिट कर जाए इसको तो ये ढाई ढाई प्लस ढाई दो पांच हो गया ना भाई दो इलेक्ट्रॉन है एक फोटो दो फोटोन है एक फोटोन के पास एनर्जी थी ढाई इलेक्ट्रॉन वोट दूसरे के पास भी ढाई बात पकड़ में आ रही है ना तो टोटल एनर्जी इसने इसको दी कितनी इसकी डबल पांच इलेक्ट्रॉन वोट उस ये पांच इलेक्ट्रॉन वोट वर्क फंक्शन से ज्यादा हो गया उस समय क्या ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा बात समझ में आई तो आंसर है नहीं एमिट करेगा आपको इसके एमिशन के लिए एक फोटोन की ही जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए ये दो टक्कर तीन टक्कर मरवा कर अब उसको बाहर नहीं निकाल सकते फर्क समझ गए होंगे मेरे ख्याल से एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन के पास अगर पांच एनर्जी होती इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो निकाल देता दो मिलकर पांच इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर देने की कोशिश करेंगे तो बात यहां नहीं बनेगी उम्मीद है ये बहुत पसंद आया होगा आपको सवाल कमेंट करके बताइएगा कि इसमें मजा आया कि नहीं मजा आया <laughs> अगली बात करते हैं टू मेटल्स ए एंड बी

ये क्या है थ्री शोल्ड वेव वॉट इज दिस दिस इज ए एड वेवलेंथ बात पकड़ में आ गई आपके अब इसमें और नॉट में क्या रिलेशनशिप है तो वो है नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डब्ल्यू नॉट समझ गया वर्क जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा उसकी लेमडा कम यही तो होगा तो यहां पर क्या हो गया ए का लोअर डब्ल्यू नॉट है ये ए है भाई साहब इस ए का लोअर डब्लू नॉट है इसलिए हाइयर वेवलेंथ मिल जाएगी बात खत्म तो हो गई इस तरह से छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखेंगे तो मजा आएगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने में और बड़े सवालों को भी सुंदर तरीके से कर सकेंगे क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है मैंने बड़ी मेहनत करके आपके लिए बनाया ध्यान से समझिएगा लिखा है अल्ट्रा लाइट इज इंसिडेंट ऑन टू फोसो सेंसिटिव मटीरियल ये दो पहला और दूसरा दो फोटो सेंसिटिव मेटीरियल्स है इस पे यूवी रेस आपने गिरवाई है ठीक है दोनों पे सेम यूवी वी रेस है ये वी है यू यू ना समझ लेना यू रेज है एक का वर्क फंक्शन है डब्लू वन और एक का वर्क वर्क फंक्शन है डब्लू टू और यहां पर ये यह रिलेशन दे रखा है कि डब्लू वन डब्लू टू से छोटा है कह रहा है इन विच केस विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी ग्रेटर किससे यहां से जो इजेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का उसमें इन दोनों से किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी देखिए कितना सरल सवाल है लेकिन कई बच्चे घूम जाएंगे इसमें यहां पर देखिए के मैक्स जो होती है वो एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट होती है तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी घट रहा है ना क्वांटिटी देखो आपको तो आपने क्या किया डब्ल्यू वन इज ग्रेटर देन पहले वाले का वर्क फंक्शन ज्यादा था तो पहले वाले की कम हो जाएगी उल्टा चल रहा है ना घट रहा है ज्यादा तो के मैक्सू नॉट कम तो के ज्यादा तो इज डब्ल्यून डब्ल्यू टू तो के टू देखो ध्यान से उल्टा हो गया इसका बात खत्म तो ये बड़े छोटे छोटे सवाल हैं और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक में आ जाते हैं आप इसको जरूर समझ पा रहे होंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए अगली बात चीत करते हैं लिखा द स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डिपेंड ऑन तो स्टॉपिंग जो पोटेंशियल होता है जिसे आप वी नॉट से कहते हैं क्या ये इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है आंसर है इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिपेंड डिपेंड करता करता है Answer, जी हाँ, पर करता है आंसर जी तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आप इंटेंसिटी पर नहीं डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा ये जो फ्रीक्वेंसी देखिए लिखी हुई है ये आपको क्लियर होगा ये कोई बड़ी खास बात नहीं थी लेकिन ध्यान रखने वाली बात है स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है चलिए अगली चीज देखते हैं ये मैंने हाइलाइटर लगाए थे वो आ गए अगली बात करते हैं हम लोगों ने बड़ी ये भी अच्छी बात है है देखिए लिखा टू बीम्स वन वन ऑफ रेड कलर और इज ब्लू कलर ये एक मेटल सर्फस फोटोसेंसटिव मेटल पर पड़ रही है दोनों की इंटेंसिटी सेम है देखिए ये आई इज सेम सेम इंटेंसिटी आर इंसिडेंट ऑन ए मेटलिक सर्फेस उस समय कह रहा है विच वन ऑफ द टू बीम्स एमिट इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी किसकी रहेगी एक रेड बीम है एक ब्लू बीम है तो साहब आप जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी फ्रीक्वेंसी घटा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी अब आप यह भी जानते होंगे कि ब्लू कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है रेड कलर से ज्यादा होती है ब्लू कलर की फ्रिक्वेंसी रेड कलर से ज्यादा इसलिए ब्लू कलर की लाइट ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से फोटोनो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कराएगी यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो ब्लू कलर लाइट से जो निकले हैं वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ होने वाले हैं बहुत अच्छी बात अगली बात देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम ए फोटो सेंसिटिव सरफेस इट इज इल्यूमिनेटेड बाई ग्रीन देखिए इसमें काफी रामायण लिखी है इस रामायण को मैंने एकदम आपके लिए सरल कर दिया है कैसे फोटो बना बना के देखिए बड़ी मेहनत की आपके लिए जिसे आप फटाफट -पट समझ जाए यहां देखिए फोटो सेंसिटिव मेटल है ये कह रहे हैं ग्रीन कलर की लाइट मैंने मारी तो फोटो एमिशन हुआ इलेक्ट्रॉन निकला जब इन्होंने येलो कलर की लाइट मारी मारी मेटल पे तो कोई एमिशन नहीं हुआ फोटो इलेक्ट्रॉन निकले ही नहीं अब कह रहे हैं मुझे बताओ कि रेड कलर की लाइट मारेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ब्लू कलर की लाइट मारेंगे तो क्या निकलेंगे तो ये दो सिचुएशंस हैं सिचुएशन नंबर ए भी कह सकते हो वन टू कुछ भी नाम दे दो इसका इन दोनों में क्या कांड होगा ये दो चीज दे तो देखे पूछ रहे हैं तो देखिए ये जो रेड कलर की लाइट है इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या है पीले कलर से ज्यादा एनर्जी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डालनी है आपको पीले कलर पे तो निकले नहीं थे भैया तो पीले कलर से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आप डालोगे तो निकलेंगे और यहां रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो येलो कलर से कम होती है तो काहे को निकलेंगे नहीं निकलेंगे और इसमें आ जाओ ब्लू कलर में तो ब्लू कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रीन कलर से भी आपकी ज्यादा है तो ग्रीन कलर पे ही निकल आ रहे हैं तो भैया ये ब्लू कलर पे तो हंड्रेड परसेंट निकलेंगे समझ गए आप बात तो अगर आपको किसी भी एनर्जी यानी येलो कलर की फ्रिक्वेंसी पर एमिशन नहीं है तो हमको कम से कम येलो कलर से ज्यादा की फ्रिक्वेंसी देनी पड़ेगी एनर्जी के लिए जिससे एमिशन को करा पाए हम लोग मेरे ख्याल से बात पकड़ने में मज़ा आया होगा और ऐसे क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपके स्कूलों में डिस्कशंस में नहीं आए होंगे कमेंट करके बताना कि आप स्कूल में ऐसी बातें डिस्कस की जाती हैं <laughs> शायद नहीं आप बताएंगे मुझे अगर कोई स्कूल होगा तो सौ में एक दो स्कूल होंगे इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है

देख रहे हैं बहुत सरल होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग है तो आपका यहां पर अगेन वी नॉट ही रहेगा क्योंकि जब आप इसको आगे बढ़ाए हो सोर्स को तो आपने किया क्या है इंटेंसिटी बढ़ा दी है नाकी फ्रीक्वेंसी किसी भी बल्ब को अपने चेहरे के पास ले आओगे तो उस वो ज्यादा इंटेंसिटी पड़ेगी आपके चेहरे पर ना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो यहां पर आई इंक्रीज हो रही नॉट द न्यू इसलिए स्टॉपिंग इस पोटेंशियल तो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता तो वही बना रहेगा <laughs> अगली बातचीत देखते हैं वॉट इज इफेक्ट ऑन दिलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन

मैक्स स्क्वायर यानी ये आप देखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है अगर बात करें वी मैक्स की तो वन अपॉन अंडर रूट लेमडा के बराबर है अब आप लेमडा को क्या कर रहे थे लेमडा को घटा रहे थे अगर लेमडा को घटाओगे तो वी जाएगी बढ़ इसमें कौन सा कबूतर छोड़ना है लेमडा देखिए घट गई तो वी यहां पर बढ़ गई बस लॉजिक क्या है पढ़ाई को बुद्धिमानी से पढ़ें थोड़ा सा प्यार से सब काम हो जाएगा देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ आपकी समझ में आ ही रहा होगा गारंटी है कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि प्यार मोहब्बत की बातें जरूर समझेंगे आप <laughs> अगली बात करते हैं इन आर मैटर वेव्स देखिए बढ़िया चीज आ गई मैटर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कैसे डिफर होती है तो भैया आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक्सलेटेड चार्ज चाहिए आपको उसका एसोसिएशन किससे है चार्ज से जबकि मैटर वेव्स का चार्ज से कोई रिश्ता ही नहीं है तो दोनों का यह मामला फर्क होता है कि ये होती हैं हैं मैटर वेव जिसे वेव्स भी बोलते लिखते लेकिन पढ़ते डिब्रॉय अंग्रेजों ने यही कर रखा है स्पेलिंग साइलेंट कर देते हैं अपने पता नहीं क्या करने के लिए कह रहे तो डिब्रॉय जो वेव होती है वो आपकी चार्ज से एसोसिएटेड नहीं है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चार्ज अगर एक्सीटेड मोशन में नहीं है तो भैया ईएम वेव तो बनती ही नहीं फर्क समझ चुके होंगे आप अगली बातचीत करते हैं कि डिब्रॉय जो वेबलेंस होती है देखिए डिब्रॉगली लिखा हुआ है और पढ़ना क्या है डिब्रॉय बी आर ओ वाई पढ़ना है देखिए अरे यार नाम तो सही से रखो स्पेलिंग जबरदस्ती घुसे हो कह रहे हो पढ़ना नहीं डिब्राई <laughs> वेव्स एसोसिएटेड विद ए मूविंग फुटबॉल एक फुटबॉल जो चल रही है उससे एसोसिएटेड मैटर वेव्स हमको क्यों दिखती नहीं है या हम नहीं जान पाते इसका रीजन देखिए ये कि डिब्राई वेवलेंथ होती है लेमडा इज टू एच तो अपॉन मोमेंटम या एच अपॉन एम अब फुटबॉल का जो मास है इन कंपेरिजन विद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन छोड़ दे इलेक्ट्रॉनिक कह देते हैं इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम होता है और फुटबॉल तो बहुत भारी है उसकी अपेक्षा वो तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से हैं। तो फुटबॉल तो माइक्रोस्कोपिक में आ गई दिख रही है हाथ में लेके खेलते हैं पैर से खेलते हैं तो यहाँ पर फुटबॉल का मास काफी ज्यादा है थ रेस्पेक्ट टू ध्यान ध्यानगा वैसे ना समझिएगा इन जनरल जो चीजें दिखती है फुटबॉल इतनी हल्की होती है आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में ठीक है तो मास ज्यादा होने की वजह से इसका जो लेमडा होता है वो काफी कम हो जाता है भाई मास ज्यादा कर दोगे लेमडा घट जाएगा और हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे मेजर कर पाए इतनी छोटी वेवलेंथ को तो विजिबिल ही नहीं होती हमारे अभी तक साइंस वहां पहुंच ही नहीं पाई है समझ रहे हैं इतनी छोटी है तो आपको महसूस नहीं होती ये विजिबल नहीं होती अगला सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए तीन कर्व बने एक दो तीन नाम दिया हुआ है और रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करेंट अप्लाइड वोल्टेज ये वोल्टेज है वी और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये दे रहे हैं और लिखा क्या है डिफरेंट मटेरियल्स हैं

आप जानते हैं और एचन न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट अगर सेम मटेरियल होगा और सेम इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी है न्यू भी सेम और मटेरियल भी सेम तो उसका वर्क फंक्शन भी सेम तो वी नॉट भी उसका सेम हो जाएगा तो इस बेसिस पर यहां पर देखिए वन और टू एक मटेरियल का हिसाब होगा क्योंकि देखिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर अलग अलग करंट तो एक एक मटेरियल की होती है लेकिन वर्क फंक्शन आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही होता है जैसा मैंने यहां पे दिखाया कि अगर एक मटेरियल है और आप इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी एक ही डाल रहे हैं फ्रिक्वेंसी है इंटेंसिटी में समझ लेना तो वहां पर वर्क फंक्शन सेम आता तो यहां पर देखिए यहां पर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही मिलेगा चैनल को करना मत में और टॉप क्वालिटी के साथ, साथ में डिस्क्रिप्शन में कई लिंक्स हैं जिनका इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट में चार चांद लग जाएंगे आपको भी विश्वास नहीं होगा कि आपके साथ कितना अच्छा हो रहा है थैंक यू वेरी मच विश यू ऑल द बेस्ट बाय बेटा